हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेंड्स थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिला है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, अब आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, अब आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस सामने आता है, अब आपको पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, अब आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। फ्रेंड्स अब आपको सेकेंड ऑप्शन डिलीशन एंड डीएक्टिवेशन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेंड्स अब आपको अकाउंट को हमेशा डिलीट करने के लिए डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको कंटिन्यू टू डिलीशन अकाउंट पर क्लिक करना है। आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस सामने आता है, आपको फ्रेंड्स अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट अकाउंट, अब आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस सामने आता है, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट हो चुका है। फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट 30 दिनों के अंदर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।